डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल मोबिलिटी सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द मूमेंट ऑफ इंडिविजुल्स और ग्रुप्स बिटवीन डिफरेंट सोशल पोजिशन और क्लासेज इन अटी ओवर टाइम जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेसन की बात करते हैं सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सोशल पोजिशन को देखते हैं लोग जो हैं डिफरेंट रोल्स स्टेटस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसके साथ साथ हमें ये नज़र आता है कि ये पोजीशंस जो हैं ये फिक्स नहीं हैं ये सारी पोजीशंस सब्जेक्ट टू चेंज होती हैं कुछ लोग जो हैं वो हायर पोजीशंस के ऊपर चले जाते हैं कुछ लोअर पोजीशंस के ऊपर चले जाते हैं तो ये जो लोगों का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ़ मूव करना है इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं इसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद मखसूस फैक्टर्स के ऊपर रिलाय uh, नहीं करती है बल्कि सोशल मोबिलिटी के लिए जो है बहुत से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इट इन चेंजेस इन सोशल स्टेटस एजुकेशन इनकम ऑक्यूपेशन एंड प्रेस्टीज तो ये चूँकि आपके बायोलॉजिकल uh, फैक्टर्स या इनहेरिटेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है इसी तरह से जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप सोशल स्टेटिफिकेशन के अंदर किस हरार्कल पोजीशन से किस पोजीशन की तरफ मूव करते हैं जो आपके लिए सोसाइटी ओपरचुनिटीज़ या रिसोर्स प्रोड्यूस uh, करती है उसी के मुताबिक आपकी सोशल मोबिलिटी की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं अगर कोई सोसाइटी अपने उन ऑपरचुनिटीज़ के हवाले से बहुत क्लोज है बहुत फिक्स्ड है तो आपके लिए वो ऑपरचुनिटीज़ भी महदूद होंगी लेकिन अगर सोसाइटी ओपन है आपके लिए अबंडट अपरचुनिटीज़ पैदा कर सकती है आपको जो है उसमें फ्रीडम प्रोवाइड करती है उसके हवाले से आपके लिए रिसोर्स जनरेट करती है तो आपके लिए भी सोशल मोबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं अब ये जो सोशल मोबिलिटी है ये चाहे आपकी एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ हो या आपकी एजुकेशन की बुनियाद के ऊपर आपकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट हो या आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबलिटी uh, की वजह से जो है वो आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाएं तो ये आपके कंट्री या आपकी सोसाइटी के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो सोशल मोबिलिटी कैन बी डाउनवर्ड और अपवर्ड और इट कैन बी इंटर तो तीनों तरह की सोशल मोबिलिटी हो सकती है अपवर्ड भी हो सकती है डाउनवर्ड भी हो सकती है और अक्रॉस जनरेशंस भी हो सकती है तो अगले कुछ मॉड्यूल्स के अंदर हम इनके हवाले से बात करेंगे कि इनके दरमियान मेजर डिफरेंसेस क्या हैं फ़ूड फॉर थाट फॉर यू ये है कि बींग सोशोलॉजिस्ट आप ऑब्जर्व करें कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मोबिलिटी का प्रोसेस क्या है किन किन एस्पेक्ट्स के अंदर पाकिस्तानियों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के ऊपर जा सकें और किन एस्पेक्ट्स में ये पॉसिबिलिटी है कि शायद वहाँ पे उनकी मोबिलिटी के अपॉरचुनिटीज़ uh, या उनकी मोबिलिटी के मौक़े जो बहुत महदूद हैं और ये इक्वली उनके लिए थ्रेट है कि वो वहाँ से डाउनवर्ड मोबिलिटी की तरफ जा सकते हैं